हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे डिजिटल मल्टीमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है और इसके बारे में। ठीक है, पहले मैं आप लोग को अलग अलग इसके मेजरमेंट के बारे में बता देता हूँ। तो ये साइन आप लोग देख रहे हैं, वी लिखा है और तीन डॉट बनाई हैं और ऊपर एक और लाइन है। ये जो साइन है ये इंडिकेट करता है डीसी। ठीक है, ये इंडिकेट करता है वोल्ट। तो डीसी वोल्टेज मेजरमेंट के लिए ये पूरा एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये जो V और सोया हुआ S जैसा बनाया है, ये इंडिकेट करता है AC। तो ये AC वोल्टेज मेजरमेंट के लिए है। ठीक है, ये A जो है वो इंडिकेट करता है एम्पियर। ये लाइन बनाई है DC के लिए, DC एम्पियर मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे ओहम का साइन बना हुआ है, ये ओहम का साइन इंडिकेट करता है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर इंडिकेट करता है, इससे इस कंपार्टमेंट में हम लोग रजिस्टर मेजर कर सकते हैं। ये जो है डायोड मेजरमेंट, कंटिन्यूटी टेस्टिंग मेजरमेंट। ये जो HFE लिखा है ये ट्रांजिस्टर का बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। और ये जो आप लोग को ऐसा स्क्वायर बना हुआ दिख रहा है, ये पल्स जनरेटर है। 50 हर्ट्ज़ का पल्स जनरेट करता है ये, 3 वोल्टेज का। ठीक है, तो आप लोग को मैं इसके वायर्स के बारे में बता देता हूँ। ये इसको प्रोब्स बोला जाता है, इस वायर को प्रोब्स बोला जाता है। तो जो ब्लैक वाला प्रोब है, जो वायर है, वो हमेशा कॉमन में लगेगा। यहाँ पे COM लिखा है वो कॉमन, और इसको ग्राउंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको इसमें लगा देंगे। और जो रेड वाला है उसको V ओहम और मिली एम्पियर लिखा है उसमें लगाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग को 10 एम्पियर, जैसे 10 एम्पियर मेजरमेंट करना है तो ये अब ऊपर वाले में लगा सकते हैं, बट नॉर्मली उतना मेजरमेंट नहीं करने को होता है। ठीक है, आप लोग को मैं पहले डीसी बैटरीज वगैरह की वोल्टेज वगैरह मेज़र करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग को 9 वोल्ट की बैटरी मेज़र करना है, इसके लिए इसको 20 पे सेट करेंगे। ठीक है, मैंने 20 पे सेट किया और यहाँ पे मैंने दोनों प्रोब्स को कनेक्ट किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि वोल्टेज दिखा रहा है 9.63। लेकिन आप लोग को मैं एक दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी बात बता देता हूँ मल्टीमीटर की, कि यहाँ पे देखो माइनस का साइन दिखा रहा है मैंने कनेक्ट करने के बाद। तो इसका ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि मैंने प्रोब रॉन्ग लगाया है। मतलब ये जो मैंने ब्लैक वाला प्रोब जिधर लगाया है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और जिधर ये रेड वाला लगाया है वो नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, मैं देखो अभी इसको रिवर्स करके दिखाता हूँ। मैंने अभी रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाया और ब्लैक वाला नेगेटिव टर्मिनल पे, तो वो माइनस का साइन हट गया। तो इससे अपने को पता चल जाता है कि अपना पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। इफ़ यहाँ का जैसे साइन मिट गया है तो भी अपने को पता चल जाता है कि पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है। ठीक है, मैं आप लोग को 1.5 वोल्ट की बैटरी भी एक मेज़र करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 1.5 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, आप लोग को आप लोग के घर पे चार्जर होगा, वो मैं चार्जर का भी वोल्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए चार्जर का आउटपुट कितना रहता है, 5.76। ठीक है, अब मैं आप लोग को AC वोल्टेज भी मेजर करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अपने घर पे 230 वोल्ट आता है नियर। ठीक है, तो इसको हमेशा 750 पे रखें, क्योंकि 200 से वैल्यू ज़्यादा है। मल्टीमीटर को हमेशा हायर वैल्यू पे सेट करें मेजरमेंट करने के लिए, इफ़ रिक्वायर्ड हो तो लोअर पे लेके आए। ठीक है, मैं इधर इसको ऑन किया और यहाँ पे आप लोग को ये देखिए दिखा रहा है अपने को वोल्टेज 230 तक दिखा रहा है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है क्योंकि AC लोड थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होते रहता है। ठीक है, ये रही AC। ठीक है, आप लोग को मैं अभी रजिस्टर मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ कि रजिस्टर को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये ओहम का साइन है, उस पर लेके आए पहले। ये मेरे पास कुछ रजिस्टर हैं, मैं उनको मेजर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने दोनों साइड से लगाया ऐसा, अभी भी यहाँ पे 1 दिखा रहा है, मतलब अपने को वैल्यू एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। अब मैं इसको 200 से हटा करके 2000 पे रख दिया। देखिए ये 986 दिखा रहा है, मतलब 986। तो जो ये है 986, ये एक्चुअली मेरा 1K का रजिस्टर है। तो ये अप्रोक्सीमेट थोड़े बहुत टॉलरेंस रहते हैं ना रजिस्टर में, वो नियर बाय दिखा रहा है। ठीक है, मैं दूसरा एक मेज़र करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी भी यहाँ पे रीडिंग शो नहीं हुई, 1 का 1 ही है। तो इसको एक्सटेंड करेंगे,
इसकी रेंज एक्सटेंड करेंगे। अब मैंने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे देखो 10 दिखा रहा है, यहाँ पे 10 दिखा रहा है, ये 10K का रेजिस्टर है, ठीक है। अभी अपने को पता कैसे चला कि ये K का रेजिस्टर है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने 20K पे सेट किया है, जो इसकी लास्ट वैल्यू होती है ना K, वो K को मेजर किया जाता है K। ये देखो अभी मैं यहाँ पे रखता हूँ, जैसे 200 पे रखता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा, देखिए 10, तो इसको 10K समझना है, ठीक है। अभी एक और रजिस्टर है मेरे पास, वो भी मैं आपको लोगों को मेजर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी इसमें 0.4 दिखा रहा है के, तो अब मेरे को इसको डिक्रीज करने की ज़रूरत है, मेरे को मतलब देखिए यहाँ पे अभी 3.33 दिखा रहा है, और डिक्रीज करके देखते हैं। अब यहाँ पे एकदम क्लियर रीडिंग शो कर रहा है कि ये 330 का है रजिस्टर, 330 ओम का, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी 2000 पे रखा, यहाँ पे ओहम का ही साइन है, इसके लिए ओहम है ये, ठीक है। ये तो हो गए रजिस्टर की बात। अभी आप लोग को मैं ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब कैसे मेजरमेंट किया जाता है मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो जो डायोड होता है, ये जो ब्लैक वाला डायोड है, आप लोगों ने इसके, मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है पूरा, इसमें देख रहे हैं, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है वो एनोड है, प्लस प्लस पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है जो सिल्वर कलर का पार्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एनोड लगा दिया, मतलब पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे देखिए कुछ रीडिंग शो कर रहा है मल्टीमीटर, तो कुछ रीडिंग शो करेगा मतलब ये अपना सही कंडीशन में। इसको उल्टा करेंगे, अभी उल्टे में भी कनेक्ट करके देखेंगे, तो कुछ रीडिंग नहीं शो करना चाहिए। देखिए हमारा मल्टीमीटर कुछ नहीं रीडिंग शो कर रहा है उल्टा करने पे, तो इससे पता चलता है कि हमारा डायोड वर्किंग कंडीशन में, ठीक है। मैं आपको लोगों को LED भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कैसे इसको चेक किया जाता है कि LED हाँ वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। तो जो LED का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो बड़ा रहता है, ठीक है। ये बड़ा वायर को पॉजिटिव बोला जाता है, छोटे वायर को नेगेटिव बोला जाता है। तो पॉजिटिव को रेड वाले वायर से कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को ब्लैक वाले से। तो देख रहे हो LED जल रही है, ठीक है, ये LED जल रही है, देखो। तो इससे अपने को पता चलता है कि हाँ ये भी वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। आप लोगों को मैं कैपेसिटर भी मेजर करके दिखा देता हूँ। तो जो कैपेसिटर का छोटा वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, और जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले पॉजिटिव को, बड़े वाले वायर को पॉजिटिव पे कनेक्ट करना है, एंड छोटे वाले को इस पे कनेक्ट। तो इंस्टेंट कुछ रीडिंग शो करेगा ये, देखिए रीडिंग शो करने के बाद बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अपना कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, अब इसको डिस्चार्ज करने की ज़रूरत है। तो मैं आप लोग को डिस्चार्ज करके दिखा देता हूँ। एक LED लीजिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव में, नेगेटिव को नेगेटिव में। तो LED कुछ सेकंड के लिए फटाक करके चलेगी और बंद हो जाएगी, ये देखा, ये अपना जल के बंद हो गया। मैं वापस आप लोग को करके दिखा देता हूँ एक बार, देखा। तो ये अपना कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों हो रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर भी वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं कंटिन्यूटी के बारे में बताता हूँ। अगर अपना कोई वायर है, अगर वो बीच में से ब्रेक हो गया है और अपने को पता ही नहीं चल रहा है फॉल्ट क्या है, तो उसके लिए भी आप उन कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो मैंने देखिए ये वायर यहाँ पे कनेक्ट किया एंड ये यहाँ पे कनेक्ट किया, तो देखिए ये बीप का साउंड दे रहा है, तो ये बीप से पता चल रहा है अपने को कि ये वायर ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ये वाइट वाले वायर को भी चेक कर लेते हैं। मैंने वाइट वाले वायर को यहाँ पे कनेक्ट किया और इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, देखिए ये बीप का साउंड दे रहा है, तो इससे अपने को पता चल रहा है ये वर्किंग कंडीशन में। इफ ये कहीं से ब्रेक हुआ होता, मतलब अंदर से वायर टूट गया होता, तो ये बीप का साउंड नहीं देता, ठीक है। हाँ, अभी मैं आप लोग को HFE के बारे में बता देता हूँ। HFE हम लोग बीटा की वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर है मेरा, इसको देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर रहेगा तो इस साइड यूज़ करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, और PNP ट्रांजिस्टर रहेगा तो राइट हैंड साइड में। तो मेरे पास NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसको जो है देखो ये E जो इंडिकेट कर रहा है एमिटर बेस कलेक्टर, तो एमिटर बेस कलेक्टर में डालना है, ठीक है। ये मैंने डाला, सम फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये देखिए ये हमको बीटा की वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। ये अपने को बीटा की वैल्यू शो कर रहा है, तो यहाँ से अपने को बीटा की वैल्यू, ट्रांजिस्टर की बीटा की वैल्यू मिल जाती है। बीटा की वैल्यू एम्पलीफिकेशन ये सब पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो।